गाइस वेलकम टू नए साल का नया व्लॉग एंड क्या हाल चाल है आप सबके। आई थिंक आई होप सबके ठीक ही होंगे। एंड गाइस नया साल गाइस सैलरी आ चुकी है और आज मैं पहले अपना थोड़ा सा हुलिया ठीक करूंगा, फिर मैं नहा धो के जाऊंगा गुरुद्वारा साहब। ये जरूर बताना कि यार आपने अपना न्यू ईयर ईव कैसे मनाया, न्यू ईयर की पार्टी कैसे करी, सेलिब्रेशंस कैसे करी, कमेंट्स में आप बताना, मजा आ जाएगा पढ़ पढ़ के। आसिफ भाई क्या कर रहे हो? लोगों को हाय तो बोल दो। हेलो, हाउ आर यू डूइंग भाई? थोड़ा काम करते हैं भाई। आसिफ भाई की कमाई ये ले रहे हैं मजे। जॉब, हम तो जॉब में ऐसे ही फंसे हुए हैं। कितने लगाए थे? 21,000 के हेयर पर में लगाए टोटल, इतना एक महीने के अंदर आया है इतना। हजामत हो रही है, हजामत। अच्छा रहेगा, गुरु घर एवं नहीं जाएगा। गाइस ये मैं जैकेट लेके जा रहा हूँ साथ में, अगर मेरे को देर हो जाए या फिर मौसम चेंज हो जाए तो ठंड ना लगे मेरे को। और एंड गाइस इस बैग की भी हिस्ट्री है, मतलब ये मेरे साथ है 3 साल से है। 2018 में मैंने खरीदा नहीं था, किसी ने दिया था एंड तब से मेरे साथ है। इसने बहुत ट्रैवल किया है मेरे साथ। लव यू यार। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बंगला साहब, शायद मैंने आपको बता दिया था। और यार एंड टाइम पे सुसु पता नहीं क्यों आती, घर से निकलना होता। गैस बंद है, लाइट सारी ऑफ है, सारी चीजें चेक। चलो चलते हैं।
हॉट प्लेस सीपी फेमस है दिल्ली की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी चहल पहल है। वीकेंड भी है, न्यू ईयर भी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। और अभी मुझे जाना है बंगला साहब, तो मैंने लोकेशन लगा ली, यहाँ से सीधा रास्ता है। मैं आया हूँ तो इस बार बहुत कम आया हूँ इस साल, उससे पहले मैं और 2-3-4 बार आ चुका हूँ। एंड सी वॉक कर के जाऊँगा मैं, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। अब आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ बंगला साहब, और अंदर शायद शूट ना ही कर रहे क्योंकि पहले मैंने एक बार ट्राई किया था तो मना कर दिया था, तो फालतू में बेइज्जती कराने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जितना बाहर से शूट कर पाऊँगा मैं उतना ही करूँगा। जिधर आके मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कैन सी दिस, अगर मैं अंदर की तरफ गया तो अंदर ही रहिए, यहीं पर रुक जाऊंगा पूरा दिन। एंड आई डोंट वांट कि मैं यहाँ पे ही रुका रहा हूँ। एक दिन गाइस कार्ब्स आर इम्पोर्टेंट, कार्ब्स खाने चाहिए यार, एनर्जी रहती है। और मुझे भूख भी लग रही थी सुबह से, सिर्फ मैं ओट्स खा के आया हूँ और आई थिंक अभी बज रहे हैं मे बी 3, तो अभी मैं खाऊँगा कार्ब्स हल्दी। भैया ये मत देना, ये बहुत खट्टा होता है, नींबू देना। चाहिए इसको बोलते क्या है, अमृत। गाइज यहाँ पे बंगला साहब में तो बहुत भीड़ थी, तो मैं इधर आया हूँ। यहाँ पे रस्ते में एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, एंड आई सी शायद आपको दिख रहा है, नहीं लाइन है, मुझे बहुत लंबी है। यहाँ पे टैटू आर्टिस्ट बैठे हैं, टैटू वगैरह बन रहे हैं भाई। यहाँ भीड़ थोड़ी कम है, शिवजी का मंदिर है, भगवान के दर्शन करने हैं, कहीं भी कर लो। टोकन मिलेगा, जाऊँ बस आके पैसे दो, 10 रुपए, 10 रुपए। सारे काम इधर ही हो जाएंगे। तो गाइस बड़ा काम हो चुका है, साल के शुरुआत में भगवान के दर्शन करने चाहिए। लास्ट ईयर में गया था हरमंदिर साहब, अब मैं यहाँ पे हूँ और अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्त का, तो आ ही रहा होगा। गाइस वहाँ पे गांधी जी के 3 मंदिर भी हैं, जिन्हें देख के मेरे 3 दोस्तों की याद आ रही है मुझे, और लोग इनके साथ शौक से फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वाह क्या पोज है दीदी। एंड अंदर कुछ है, वहाँ भी जाता हूँ मैं, देख के आता हूँ क्या आइटम है। गाइस अंदर मैं आया हूँ तो यहाँ पे चरखे पड़े हुए हैं, एंड वहाँ पे लिखा भी हुआ है किसने ये चरखा दान किया है, कितने साल पुराना है। यू कैन सी 1943 और पंजाब से आया ये पूरी, ये जो बात है ये खादी को प्रमोट करती है, खादी कपड़े पहनने चाहिए, एंड लाइक ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमारी भाषा में बोला जाए तो ये है कोई चरखा है, ये चरखा मिनी है, ये चरखा प्रो है, ये मैक्स है, ये चरखा प्रो मैक्स है। गाइस इनके ऊपर चरखे का नाम भी लिखा है, एंड लाइक हम देख सकते हैं यहाँ पे बारदली चरखा, ये यूपी
थिंग्स टू नो। कोई नहीं, हालत हमारी सुधरे की थोड़ा टाइम लगेगा। सोना कहीं और ही हो रहा है अभी। एक नंबर कितना दूर है तेरे से? सो गाइस, जिसका मुझे वेट था वो शक्ल आ चुकी है। शक्ल तो दिखा दुनिया को। दिस इज पेरी पथेटिक, पेरी पथेटिक मतलब तो बता इसका क्या होता है? मतलब तो बता क्या होता है इसका? जिसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है भाई, जो घूमना फिरना पसंद करता है, एक जगह से रुक नहीं पाता, जैसे मैं। हाँ ये भी बात है, इसको एक बार कुर्सी पे बैठने को बोला ये टिक ही नहीं पा रहा था। पॉलिटिक्स ज्वाइन मत करियो, वहाँ पे रुकना पड़ता है। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा ज्वाइन। और अभी कैसी चले गाइस? दिल्ली में ओमिक्रॉन है ना, वो ओमिक्रॉन लॉन्च हो चुका है, बट भीड़ की कोई कमी नहीं है। दुनिया को टेंशन कोई नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? KFC ढूंढ रहे हैं अभी तक। या एंड गाइस, अभी हमें कुछ लोग मिले और हम लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे। दरअसल बात ये है, तो उन लोगों को मेरा स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा कि फ़ोटो खींचने का, तो उन लोगों ने अपनी बेटी की फ़ोटोज़ खिंचवाए मुझसे और मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह लेके गए। बोल रहे हैं कि हाँ हमारी बच्ची के साथ कोई ब्लॉग बनाओ। तो मुझे वो भी सोचना पड़ेगा कि कैसे बनाओ। और मैंने ये चीज़ देखी है कि बंदा अगर कोई झुक के कोई काम कर रहा है तो उसको लोग समझते हैं टैलेंट है, बट ऐसी बात नहीं है। झुकना हमेशा टैलेंट नहीं होता, मजबूरी भी हो सकती है। भाई मिला क्या? मिला है नहीं? नहीं यार भाई, सब अपने को करते। मुझे लग रहा है ब्लॉगिंग करते कर रहे हैं, ये मेरा शोल्डर काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है ना? पूरा दिन ऐसे, दूसरा अगर ऐसे थक जाता है तो इधर से ऐसे बेल्ट अच्छे हो जाएंगे। दोनों हाथों से पकड़ा, दोनों शोल्डर में मस्त हो जाएंगे। नहीं फिर दोनों थक गए तो क्या करूँगा? ऐसे थोड़ी चलूंगा पैर से। फाइनली आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं। नॉट रोनाल्डो, कुछ बंदों को होता है ना कि हाँ फिटनेस का है तो पानी क्यों ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका अलग परसेप्शन है रोनाल्डो। ये क्या जा रहा है सभी ही ले रहे हैं। भीड़ तो नहीं है यार, सही है, चल जाएगा। तो गाइस यहाँ तक ही शूट कर पाया हूँ मैं आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ रोहित को। नॉट ओनली फॉर दिस व्लॉग, आज के व्लॉग के लिए नहीं, मैं उसको हर उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे सपोर्ट कर रहा है। लाइक ही इज वेरी सपोर्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम, पुश करता है मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं, जो मेरे अदर वीडियोज भी होते हैं, वो उनको भी पुश करता है। Trying to help all the time, that's a very sweet gesture from him. Such me yaar, he has a special place in my heart. And jaise hi usko pata chala ki I'm missing my family, I'm missing my friends, usne vlog dekh liye, pehle to mujhe call kiya ki bhai sab theek to hai, to usne bata diya ki haan yaar thoda family ko miss kar raha hu, but everything is okay. And uske baad wo mujhe milne aaya, main bangla sahab ja raha tha to उस टाइम पे उसने मुझे कॉल किया, मुझे मिला, और यार बहुत अच्छा लगा। आई वाज फीलिंग वेरी लाइट। सो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते यार, एक ऐसा दोस्त लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको सपोर्ट करे, जो
अगर आप डाउन भी जा रहे हो, अगर आप बैड फील कर रहे हो, तो आपको वो थोड़ा सा लिफ्ट करे. देयर मस्ट बी अ फ्रेंड लाइक हिम. सो थैंक यू सो मच रोहिश. एंड गाइस, यहीं तक था आज का व्लॉग. तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए. एंड आई डोंट से इन दिस व्लॉग कि आपको शेयर करना चाहिए, और अगर आप शेयर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप देख ही रहे हो टाइम निकाल तो बहुत बड़ी बात है गाइज. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.